पब्लिक टीवी आपकी आवाज। शहर के मोहल्ला नवीन नगर स्थित उचित दर विक्रेता द्वारा कम राशन देने का विरोध करने पर वितरक और उसके साथी ने उपभोक्ता से मारपीट कर ली। पीड़ित की तहरीर पर सिविल लाइंस पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। नवीन नगर निवासी डाक धारक नेहा गुप्ता के पति गौरव गुप्ता ने बताया कि सोमवार को करीब 12 बजे वो कॉलोनी स्थित सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत खाद्यान्न लेने गए थे। इस दौरान वहां खाद्यान्न वितरित कर रहे विकास ने कार्ड पर अंकित 4 यूनिट पर 20 किलो खाद्यान्न के बजाय कुल 18 किलो खाद्यान्न दिया। आरोप है कि उसने जब इसका विरोध किया तो वितरक द्वारा उसका कार्ड निरस्त कराने की धमकी देने लगा। बाद में विवाद बढ़ जाने पर विपिन ने अपने साथी के साथ उससे मारपीट शुरू कर दी, विरोध कर धमकाया भी। उपभोक्ता गौरव गुप्ता ने बताया कि इस मामले की तहरीर उसने सिविल लाइंस पुलिस को दी है, जिसके आधार पर पुलिस ने विकास कुमार समेत 2 लोगों के खिलाफ NCR दर्ज कर ली है। सर, नवीन नगर का निवासी हूँ सर। मेरे पास में जो है राशन की डीलर की दुकान है, क्या नाम है, गीता भारद्वाज के नाम से। तो वहाँ पे विकास दिवाकर नाम का एक व्यक्ति जो राशन वितरण करता है, वो आए दिन 2-3 महीने से बदतमीजी करता आ गया था। वो एक तो वो ये कहता है, क्या नाम है, कि तुम क्या नाम है तुम्हारा राशन कार्ड जो है, तुम राशन कार्ड की छेड़ने में नहीं आते हो, और क्या नाम है तुम तो हराम का राशन दे रहे हो। उनने 2-3 बार ये कमेंट कर चुका है वो, और कह रहा था अपना राशन कार्ड बंद करा लो। मैं कहा भाई साहब, जब राशन कार्ड बंद होगा मैं खुद ही राशन बंद देना बंद कर दूंगा। तो उसमें वो 18-20 किलो राशन मिलता है 4 यूनिट का, वो 18 किलो राशन देता है, 2 किलो कम देता है। उसके बाद अपनी गुंडागर्दी ये दिखाते हैं, कह रहा कि तुम्हारा राशन कार्ड जो है, तुम राशन कार्ड भी छेड़ने में नहीं हो, जितना मिल जाओ उतना ले आओ और आराम कर लेकर आ रहा तुम। वैसे भी आज ये हुआ कि मैंने क्या नाम राशन नंबर तुलवाया, तो उन्होंने फिर वो ये सब यूज करे कि अपनी लिस्ट दिखाने लगे कि तुम्हारे सबके नाम की लिस्ट बना ली है मैंने, जिससे राशन कार्ड बंद होंगे। मैं बंद होंगे हम लेना बंद कर देंगे। तो इसी बात पर क्या नाम है उन्होंने कहा सुनी करनी चालू कर दी कि तुम तो हराम का खा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। इसी बात पर उन्होंने गाली गलौज चालू कर दी मेरे साथ, और फिर उसके बाद उन्होंने हाथापाई कर दी। एक सहयोगी और था उनके साथ जो बैठा हुआ था, उनने मेरे साथ हाथापाई करी, और क्या नाम मेरे काफ़ी चोट आई है चेहरे पर, और मेरा होटू फट गया, और सीने में मेरे बहुत लाते होते हुए मारी उन्होंने। मैं अब मेडिकल कराना आया हूँ ना जिला अस्पताल में। मैं तो क्या कम राशन देते हैं, क्या करते हैं जी कम राशन? हाँ जी, राशन वो 5 किलो यूनिट के हिसाब से मेरा 20 किलो राशन बैठता हूँ, 18 किलो देते हैं। मैंने इस बात को कहा तो कह रहे थे जितना मिल जाओ उतना ले जाओ, ये भी तुम हराम का ले रहे हो। ये पुलिस को कॉल किया जी? पुलिस को मैंने 112 नंबर फ़ोन करा, और उसमें मैंने इनके नाम की FIR कराने के लिए एप्लीकेशन लगा दी है मैंने, और मेडिकल कराने में जिला अस्पताल आया हूँ। क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि ये सर मुझे क्या नाम आए दिन वो दे रहे हैं, धमकी देते हैं, समाजवादी नेता के पार्टी हैं, और उल्टा सीधा ये क्या नाम है BJP सरकार को वो करते हैं, मोदी योगी का रंग देने की कोशिश करते हैं ये। मैं इस पर भी मैं इनसे कुछ नहीं कहता, मैं लेकिन क्या क्या नाम है ये फिर भी क्या नाम है उसके बाद भी क्या नाम कहते हैं कि तुम्हें अब मैं इनके खिलाफ रिपोर्ट कराई है, उसके बाद भी ये कहते हैं कि ना मैं ये करा दूंगा वो करा दूंगा, तो घर से उठवा दूंगा, तो पिटवाऊंगा। अब कार्रवाई चाहते हैं इनके खिलाफ? जी मैं कार्रवाई चाहता हूँ, आगे को मेरी जान का खतरा है इनसे, ये अपनी गुंडागर्दी दिखाते हैं ये। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।